हेलो एंड वेलकम टू ऑल सर, आपका स्वागत है सर, और थैंक यू सो मच फिर अगेन हम आपके पास फिर आ गए और आपने अपना इतना समय दिया और हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे फिर सवाल हैं, तो उसमें से कुछ मेजर मैंने दो सवाल यहाँ आज लिए हैं इसके वीडियो में, तो मैं चाहूँगा कि आप उसके जवाब दें। जरूर सर, पहला इसमें क्वेश्चन है कि मेरे दांतों में गैप है तो मैं क्या करूँ, और वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, तो क्या करें वो? दांतों में गैप है तो गैप को वहाँ पे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा के उस गैप को कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। ओके। वहाँ पे किसी ऑर्थोडोंटिस्ट के पास आप जब आप जाएंगे तो वो उसका असेसमेंट करके दांत में ब्रेसेस लगा देते हैं। ओके। कुछ समय पश्चात साल भर में या डेढ़ साल में वो तो डॉक्टर ही डिसाइड करता है कितना समय लगेगा, उस गैप को ख़त्म किया जा सकता है, करेक्शन किया जा सकता है। उस गैप होने से आपको कुछ चीज़ों को प्रोनाउंस करने में, खाने पीने में, बोलने में भी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए गैप को ठीक करा लेंगे तो आगे आने वाली परेशानियों से बचे जाएंगे। अच्छा, बच्चों का कुछ ये भी सवाल रहता है कि क्या नॉर्मल गैप एक्सेप्टेबल है, क्योंकि नॉर्मल मान लीजिए जिसमें हमारे एक ब्रशेस या पतली सी कोई चीज़ दांत के बीच में चली जाए, तो क्या अगर उतना गैप अगर किसी के दांतों में है तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? नहीं, नॉर्मल गैप को कोई बात नहीं है, तो हर दांत इंडिविजुअल अलग ही होता है। लेकिन कुछ ज़्यादा गैप है, दूर से अपीयरेंस हो रही है, ठीक है, और उसमें दांत की बनावट बिगड़ी जा रही है, ओके, अलाइनमेंट सही नहीं है, और ये दांत के नीचे नीचे के दांतों से सही से अटैचमेंट नहीं आ रहा उसका, तो उसको कराना बहुत ज़रूरी है। ओके फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि इसी से रिलेटेड है कि मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो मैं क्या करूँ, आगे पीछे हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि मेरे नीचे के दांत बहुत अंदर की तरफ हैं, या मेरे ऊपर के दांत बहुत अंदर की तरफ हैं या बाहर की तरफ हैं, तो उस स्थिति में वो क्या करें? टेढ़े मेढ़े दांतों में कई तरह की समस्याएँ होती हैं, किसी के दांत आपस में नहीं मिलते हैं, किसी के फ्रंट टीथ नीचे लिप के तक आ जाते हैं, किसी के दांत आगे की तरफ झुके हैं, किसी के पीछे झुके हैं, तो इन सब इश्यूज़ को तो बहुत ज़्यादा ही कंसीडर करना चाहिए। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के द्वारा ही इन्हें सीधा किया जा सकता है। आप जब डेंटिस्ट पास जाएंगे वो प्रॉपर आपको उसका प्लान बताएगा और दांतों को सीधा करके ब्रेस के ज़रिए आप नॉर्मल दांतों की फिर से पोजिशन को ला सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। अच्छा, नॉर्मल अगर थोड़ा सा टेढ़ापन है दांतों में, थोड़ा सा जो नॉर्मलाइज हम समझ सकते हैं कि नॉर्मल लोगों के होता है, थोड़े से अंदर या थोड़े से बाहर की तरफ, एक होता है बहुत ज़्यादा अंदर बहुत ज़्यादा बाहर, तो क्या थोड़े दांत जो नॉर्मल लेवल पर होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं, या बिल्कुल स्ट्रेट दांत ही चाहिए मेडिकल में? स्ट्रेट नहीं, क्रॉसबॉन्डिंग टीथ जो दांत का होता है, दांत अपर जॉ के अपोजिट जो लोअर जॉ में टीथ हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग टीथ जो होते हैं वो आपस में सबका अटैचमेंट होना चाहिए। अगर वो कॉन्टेक्ट पॉइंट नहीं मिल रहे हैं तो फिर नंबर माइनस हो जाएगा आपका। जो डेंटल पॉइंट मिलना है, जब ऊपर के जबड़े के नीचे के जबड़ों के दांतों से जब अटैचमेंट होगा, दांत मिलने प्रॉपर मिलने होंगे, तभी उसका पॉइंट आपको मिलेगा। इतने ज़्यादा दांत आगे पीछे हैं या टेढ़े मेढ़े हैं कि जो दांत आपस में मिल ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नंबर लेस होने के पूरे चांस हैं। इसलिए मेडिकल में जाने से पहले ट्रीटमेंट करा के ही अपीयर हो तो बेहतर रहेगा। ओके सर, ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कोई भी स्टूडेंट या कोई भी ऐसा बंदा कहाँ से ले, और क्या मतलब है इस ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का? डेंटल डेंटिस्ट्री में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि एक ब्रांच है जो टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने के एक्सपर्ट होते हैं। तो क्या ये सारे डॉक्टर्स कर लेते हैं? जनरली तो ट्रीटमेंट जो एक डेंटिस्ट होता है, डेंटल सर्जन होता है, सारी ट्रीटमेंट करता है, लेकिन इसमें जो टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने के होता है वो एमडीएस लेवल का डॉक्टर जो टेढ़े मेढ़े दांतों का एक्सपर्ट होता है, वो दांतों को असेसमेंट करके कि कौन सा दांत आपके मुंह में किस हद तक आगे लाना है, कितना पीछे करना है, कौन से दांत को निकालना ही पड़ सकता है कभी पीछे के दांतों को गैप को बनाने के लिए, फिर इसी गैप में दांतों को एडजस्ट करने के लिए। तो ये एक मान लीजिए कोई भी बंदा अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो कैसे ये एसेस करे कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि मेनली जब हम देखते हैं बाहर मार्केट में या हॉस्पिटल में तो वहाँ डेंटल सर्जन लिखा होता है, या फिर तो उसमें क्या चीज़ को हम देखें जिससे जब आप चलेगा ये चल कराना चाहें तो आप ये डेंटल सर्जन बीडीएस डिग्री के साथ में उसको एमडीएस डिग्री को देखें, उसमें लिखा होगा एमडीएस ऑर्थोडोंटिस्ट। ओके, एमडीएस ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है, वो उस चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से, एक्सपर्ट तरीके से आपके दांतों को ब्रेसेस को लगा के
प्रॉपर वे में और सही टाइम से कर सकता है और वही एक्सेप्टेबल होगा। ओके फाइन। चलिए ये दो क्वेश्चन सर ऐसे थे जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न था लोगों का, एंड आई होप कि इस वीडियो से ये दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी और जो व्यूअर्स के ये सवाल थे कि इस इन स्थितियों में हम क्या करें, तो आई थिंक कि वो बेटर डिसीजन अब ले सकते हैं कि उनको अब क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच सर इन सारे जवाबों को देने के लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।